वहीं अमेठी लोकसभा सीट से भाजपा उम्मीदवार और केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने दाखिल कर दिया है अपना नामांकन। आपको बता दें कि नामांकन दाखिल करने से पहले केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने एक रोड शो किया। उनके साथ इस रोड शो में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव भी मौजूद रहे। वहीं कांग्रेस ने अब तक इस सीट से प्रत्याशी घोषित नहीं किया है। 2019 में स्मृति ईरानी ने अमेठी से राहुल गांधी को हराया था। बता दें 1998 में संजय सिंह के बाद वो भाजपा की दूसरी नेता हैं जिन्होंने यहां से जीत दर्ज की थी।